नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बिजनौर के मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में 3 को मारी गोली, 1 की मौत। बढ़ापुर थाना क्षेत्र के गांव मुकंदपुर निवासी महावीर सिंह, बुलाकी सिंह और फिरोजी सिंह शादी का सामान लेने बढ़ापुर आए थे। रात करीब 12 बजे एक ही बाइक पर सवार होकर लौटते समय ग्राम कुंजेटा की ओर से आई कार में सवार कुछ लोगों ने उनसे धामपुर का रास्ता पूछा। इस दौरान हुए विवाद में एक कार सवार ने फिरोजी सिंह को थप्पड़ मार दिया और विरोध करने पर तीनों पर पिस्टल से ताबड़तोड़ गोलियां मारकर फरार हो गए। गोली की आवाज सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने पुलिस को मामले की सूचना दी। जिला अस्पताल में बुलाकी सिंह को मृत घोषित कर दिया और महावीर सिंह व फिरोजी सिंह को मेरठ रेफर कर दिया। एक समाचार पत्र से प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार मजेटा गाँव निवासी नासिर की 21 अप्रैल को मौत हो गई थी। घटना के दौरान सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई तो रजा कॉलोनी निवासी नासिर के रिश्तेदार आशिफ और नासिर का चाचा रफीक कार में सवार पाए गए। तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो पता चला कि घटना में इन्हीं तीनों का हाथ था। हत्या में प्रयुक्त कार को दिल्ली से बरामद कर लिया गया है। आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार जी ने कहा, देश की तरक्की के लिए मुसलमान करें वोट। रांची के मैथन हॉल में हुए कार्यक्रम में आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार जी ने कहा कि दुनिया के 70 मुस्लिम देशों ने पाकिस्तान की धमकी के बावजूद भारत को आमंत्रित किया, जो मुस्लिम देशों का भारत के प्रति विश्वास झलकाता है। कुरान, गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल या बुद्ध और जैन धर्म की पुस्तकों में इंसान को नेक, अच्छा और सच्चा बनने की शिक्षा दी गई है। यही रसूल और गुरु का रास्ता है। आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने बताए होम्योपैथी के गुण। होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की नागपुर इकाई द्वारा होम्योपैथ के निर्माता डॉक्टर सैमुअल हैनिमन की जयंती मनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां होम्योपैथ की खासियत और फायदे बताते हुए सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने प्रख्यात होम्योपैथिक डॉक्टरों के सम्मान समारोह को संबोधित किया। सहारनपुर के मिशनरी स्कूल में ईसाई शिक्षिकाओं ने लगाए प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप। मिशनरी स्कूल से आए दिन चिंताजनक मामले सामने आ रहे हैं। चिल्ड्रंस होम अकेडमी का मामला सुलझ भी नहीं पाया कि मिशनरी स्कूल में शिक्षिकाओं के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सहारनपुर के सेंट मैरी स्कूल से सामने आया है। एक समाचार पत्र में आई रिपोर्ट के अनुसार 22 अप्रैल को गलीरो रोड स्थित सेंट मैरी स्कूल की शिक्षिकाओं ने प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वेरोनिका रिचर्ड निवासी चंद्रनगर ने एसएसपी को दिए प्रार्थना पत्र में कहा कि प्रिंसिपल एल थारेसिस तरह तरह के उत्पीड़न करता है। प्रिंसिपल ने विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी है। 28 मार्च को प्रिंसिपल ने कार्यालय में बुलाकर यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की। आरोप है कि 2 अप्रैल को शिक्षिका के बेटे को अवैध ढंग से स्कूल से निकाल दिया गया। इसके अलावा शिक्षिका शैली मसीह ने भी प्रिंसिपल पर बुरी नजर रखने, गर्भावस्था में अवकाश ना देने व उनके बेटे को मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया है। दोनों शिक्षिकाओं ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आज के बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।